हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में जीरो अंश का, तीन अंश का, तीस अंश का, पैंतालीस अंश का और साठ अंश का मान कैसे निकालते हैं। बचा था क्या? नब्बे अंश का। नब्बे अंश का मान कैसे निकालते हैं? जैसे हमें निकालना हो साइन नब्बे। अब साइन नब्बे का मान होता है कितना? कितना होता है साइन नब्बे का मान? एक होता है, लेकिन निकालते कैसे ये हमें पता होना चाहिए। क्या करते हैं, एक पहले हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहां पे एक कोण दे देंगे। कौन सा कोण? थीटा दे देंगे। इसको मान लिया ए, ए बी, ए क्या है, सी है, और ये हमारा हो जाएगा नब्बे अंश का। ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और थीटा के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब इसमें जब बनाएंगे, थीटा के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाते हुए चले जाएंगे। जैसे यहां पे हमारा कोण क्या है? थीटा है। क्या है कोण? थीटा है। अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा घटा दें, यहां से लाके यहां कर दें, क्या होगा? आधार इतना कम हो जाएगा और ये हमारा आधार इतना बचेगा और कर्ण जो है वो भी छोटा हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे धीरे धीरे जब इसको और कम करेंगे, यहां पे कर देंगे मान लो, तो कर्ण क्या हुआ? इतना ही बचा है और आधार हमारा इतना सारा कम हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे भी इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा थोड़ा, यहाँ पे और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम इसको इधर लाते जाएंगे नब्बे अंश के पास, वैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा और आधार का मान क्या होगा? घटते जाएगा। आधार का मान क्या होगा? घटते जाएगा। ऐसे एक टाइम आएगा जब क्या करेंगे, हमारा कर्ण एकदम लाके इसके ऊपर रखेंगे, ए बी के ऊपर। यहाँ पे बेटा इसके बीच में कितने नब्बे अंश का कोण बनेगा, क्योंकि इस पे पूरा सीधा हो गया। कितने का कोण बनेगा? नब्बे अंश का कोण बनेगा। हमें निकालना किसका? नब्बे का मान। जब नब्बे अंश का कोण मिलेगा, हमारा कर्ण और लंब दोनों क्या हो जाएंगे? कर्ण और लंब दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। और यहां से आधार का मान कितना हो जाएगा? घटते घटते कहां तक गया है? आधार का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब हमें निकालना क्या है? क्या निकालना हमें? साइन नब्बे अंश का मान कैसे निकालेंगे? जैसे साइन नब्बे का मान निकालना, साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब और कर्ण दोनों बराबर है, बराबर है नहीं बराबर है? क्या करेंगे, लंब की जगह पे कर्ण रखते हैं या कर्ण की जगह पे लंब रखते हैं? दोनों में से एक को बदल देंगे। क्या करें, यहां पे कर दें कर्ण की, लंब की जगह पे कर्ण, कर्ण बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा? एक। इसलिए साइन नब्बे का मान कितना होता है? एक। हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री इक्वल टू वन। ऐसे हमें निकालना हो किसका? कॉस नब्बे का मान। तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार, आधार का मान कितना है? आधार का मान जीरो है बटे कर्ण। अब जीरो में किसी से भाग देंगे, क्या आएगा? क्या आएगा? जीरो। तो कॉस नब्बे का मान कितना हो गया? जीरो। यहां से हो जाएगा कॉस नब्बे इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। इसके बाद आता है क्या? टेन। टेन नब्बे का मान निकालेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब, लंब को रहने दो, आधार में पता आधार कितना है? जीरो। अब जीरो से किस संख्या में भाग दे तो क्या आता है? इनफाइनाइट। हो जाएगा क्या? टेन नब्बे बराबर इनफाइनाइट। उसके बाद क्या आता है? कॉट। कॉट नब्बे का निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है? जीरो है बटे लंब। जीरो में किसी से भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो कॉट नब्बे का मान हो जाएगा कितना? जीरो। इसके बाद बचा क्या? सेक और कोसेक बचा हमारा। क्या बचा है? सेक और कोसेक बचा है। सेक नब्बे बराबर हो जाएगा क्या? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान कर्ण रख देते हैं, आधार का मान जीरो रख देते हैं। किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो सेक नब्बे का मान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। बचा क्या? कोशेक। क्या होता है? कर्ण बटे लंब।
तो कर्ण को कर्ण रहने दो बाबू, कर्ण आए देखो, कर्ण और लंब दोनों बराबर है। कर्ण को अगर हम लंब लिख दें, लंब बटे लंब, दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक। तो कोशक 90 का मान कितना हो जाएगा एक। ऐसे हम निकालिए कितना, जीरो अंश का मान, उसके बाद 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान। चलो दोस्तों अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे चतुर्थांश, क्या बताएंगे आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में, जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, किस चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक होता है, किसका मान ऋणात्मक होता है। चलो।